बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी शानदार, ज़बरदस्त। चकवाल क्या बहुत खूबसूरत मौसम बना हुआ है, हवाएं चल रही हैं ठंडी ठंडी, और आप मेरे पीछे वो देख रहे होंगे, वो लोग आप कहेंगे ये क्या चीज़ है। आए मैं आपको दिखाता हूँ, ये किसी टाइम हमारा तंदूर होता था, इधर अम्मी जान हमारी रोटियाँ लगाती थी देसी स्टाइल में, और अभी जो इस टाइम बना हुआ है वो इस टाइम पहले गंदम लगी हुई थी और अभी ये धनिया लगा हुआ है। आज मैं आपको चकवाल की हिस्ट्री के बारे में और कुछ खूबसूरत पॉइंट के बारे में आपसे शेयर करूंगा और आपको दिखाऊंगा। वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा। और ये छोटी दुनिया, हाय बोल दे। कहाँ जा रहे हैं? हम अपने पास जा रहे हैं। अपने पास जा रहे हैं? अब मेरे दादा हैं, अब मेरी मम्मी जी पा ली है, हमें तब पिला लेना पड़ती हूँ कि मानी खाए कि मानी खाए। अभी तक करनी है गेम कब करनी है और ये करनी है। छोटी दुनिया की आपकी समझ आई होगी या नहीं आई, मजीद मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ये कह रही है कि मैं मेकअप करूँगी, चूड़ियाँ डालूंगी, कपड़े डालूंगी, और ये सेम टू सेम मेरी अभी कॉपी करती है। अक्सर मैं उसके सामने वीडियो बनाता हूँ, शूट कर रहा होता हूँ, तो अभी जब भी कैमरा सामने करूँ कहती हूँ मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। तो माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। और अभी चलते हैं। और मेरे साथ जो आज आ रहे हैं वो मुस्तन सर और अहमद जिगरी यार शहजाद साहब, काफ़ी दिनों के बाद आए हैं छुट्टी, तो मैंने कहा चलो आज वीडियो बनाते हैं मिलके। ये तलागंग रोड इसको बोलते हैं, और ये तलागंग शहर की तरफ जाता है रोड हमारी। इस तरफ ये सब्ज़ी मंडी है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे फ्रूट मंडी है, यहाँ से आगे से रास्ता जाता है फ्रूट मंडी के लिए। ये एक हमारा अड्डा है, नया अड्डा हम इसको बोलते हैं। शहर का कम्युनिटी सेंटर गवर्नमेंट का, मैरिज हॉल भी हम इसको बोल सकते हैं। शहर का ये मेन पॉइंट, मेन मरकज 1122 जो बहुत हेल्प करते हैं, 15 भी हम इसको बोलते हैं, और शहादात चौक भी बोलते हैं। पब्लिक पार्क, और हमारे चकवाल शहर में पीएफ वालों ने गिफ्ट किया था चकवाल शहर के लिए। ये कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है इसके बारे में। पाक फजाइया ठीक है, और ये नीचे वो सारे अफसरों के नाम लिखे हुए हैं। किसी दौर में हमारे शहर से भी ट्रेन जाती थी, और यहाँ से जो एक चकवाल का स्टेशन था, एक बौन का स्टेशन है, एक मंदरा का और एक इस्लामाबाद का स्टेशन है। चकवाल का स्टेशन बना हुआ है, और ये अभी भी कुछ लिखा हुआ है, ये CHAKWAL, ये चकवाल का स्टेशन था, ये चकवाल लिखा हुआ है। और ये भी कुछ लिखा हुआ है, अभी ये समझ नहीं आ रही है क्या लिखा हुआ है। ये छोटा सा पार्क है चकवाल के बाईपास के ऊपर है।
ये पिंडी वाली साइड पे जा रहा है, इस्लामाबाद रावलपिंडी। और ये जो साइड है साइड वाला, ये चकवाल शहर के अंदर जा रहा है। तो छोटा सा पार्क लेकिन मेहनत काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है और ख़ूबसूरत भी काफ़ी ज़्यादा है। और ये हमारा DSQ हॉस्पिटल चकवाल का, ये जो आपको सामने प्लाजा नज़र आ रहा है इसको तहसील चौक बोलते हैं। ये मोबाइलों वाला सारा प्लाजा, इसके अंदर मोबाइल्स की काफ़ी ज़्यादा शॉप है, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी भी है। बाहर आपको बोर्ड भी नज़र आ रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा। सबसे बड़ी ट्रक आर्ट दीवार चकवाल में बनाई गई है। ज़्यादा न्यूज़ वालों ने कैप्चर किया इस दीवार को, चकवाल का जो कल्चर है उसको यहाँ पे दिखाया गया अंदर। एक ये चकवाल में नेजाबाजी होती है और यहाँ पे तितर बटेर काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये कड़ा बोलते हैं, आई थिंक ये दांतों का जलसा होता है। ये भी चकवाल में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और ये बाबा चकवाल जिसको हम छप्पड़ बाजार में बोलते हैं, ये छप्पड़ बाजार का एंट्रेंस गेट बनाया गया। चर्च बना हुआ है और ये हॉस्पिटल रोड छप्पड़ बाजार बाबा चकवाल। चकवाल की पहचान पहलवान जोड़ी। और ये हमारा बॉन चौक और ये हमारा GPO चकवाल का। और हमारे चकवाल में एक नया पार्क बन रहा है, शहादा पार्क। ये भी काफ़ी बड़ा पार्क है। यहाँ पे दिन रात काम चल रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका भी इफ्तिताह होगा। जो इसका जो चकवाल में जो मेन चीज़ होगी वो आपको मैं भी दिखाता हूँ। और ये एक परचम खुशाई के लिए लगेगा। यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगेगा। इसकी तो कितनी लेंथ जो है इसकी 80 फुट है। चकवाल के अंदर कुछ ख़ास पॉइंट थे, खूबसूरत जगह थी, वो मैंने आपको विज़िट करवाई हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगी फिर भी लाइक करना है लाजमी, क्योंकि चकवाल चकवाल है। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।